गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। सो विद दिस वीडियो वी स्टार्ट द डे टू ऑफ आर 50-day क्विक रिविजन सीरीज। इफ़ यू मिस डे वन वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल। एंड बिलीव डैट यू विल विन एंड यू विल, अपने आप में भरोसा करिए कि आप जीत जाएंगे, और इसी सोच के साथ आप जीत भी जाएंगे। सो लेट स्टार्ट। फ्लावर आर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? फ्लावर्स में होती है। एक फ्लावर में चार वर्ल होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, जिनमें एंड्रोशियम और गायनोशियम मेन वर्ल्स होते हैं और कैलेक्स और कोरोला एसेसरी वर्ल्स होते हैं। अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इन फ्लावर मेल विच इज़ नोन एज एंड्रोशियम एंड फीमेल विच इज़ नोन एज गायनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप इन टू मेल एंड फीमेल गैमीट। सो एंड्रोशियम जो है वो मेल गैमीट बनाएगा और गायनोशियम फीमेल गैमीट बनाएगा। सो इन आर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर थ्री पार्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन पार्ट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो इन केस ऑफ फ्लावर्स वी लुक फर्स्ट एट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड जनरली बायलोब्ड एंथर, ईच लोब कंटेन टू थीका। जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन से रेफर किया गया है, उसमें एक फिलामेंट होता है जो कि स्टराइल होता है, और उसमें एक बायलोब्ड एंथर होता है, जनरली बायलोब्ड एंथर होता है, और हर एंथर के हर लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए इसको डाइथीकस बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, टू इन ईच लोब। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एंथर क्या है, एक दो तीन चार, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, और हर लोब में इनके क्या है, दो, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, एंड इस लोब की वन एंड टू। तो हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो टोटल बायलोब्ड एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक विच कंटेन पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होके पोलन सैक में डेवलप होती हैं, और जिनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के आसपास चार लेयर है। पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, ये सिंगल सेल थिक लेयर होती है, इसमें सिंगल सेल लेयर मिलेगी आपको। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, ये डाइसेंस ऑफ एंथर में, मतलब जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर से, उसमें क्या है, हेल्पफुल रहती है, और इसमें अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर आपको पता होना चाहिए कि एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। थर्ड इज मिडिल लेयर, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, मिडिल लेयर स्टोर्स फूड। एंड फोर्थ इज टेपिटम, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस लेयर टेपिटम। द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये पूछेंगे न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी होती है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेयर क्या है, टेपिटम होती है। ये डिप्लॉइड भी हो सकती है और पॉलीप्लॉइड भी हो सकती है। स्पोरोजिनस टिश्यू आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या है, यहाँ पे इस जगह पे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाएगा, मिडिल में। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन। तो डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस, किसका हो रहा है, पोलन मदर सेल का, और इसी को पोलन मदर सेल से में जब मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मियोसिस में चार सेल बनते हैं, तो यहाँ भी एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और वो आपस में जुड़े रहेंगे,
एज एंथर मैच्योर, और जब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होके डाइसेंस शो करेगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोर हैं चारों आपस में जुड़े हुए हैं वो डिसोसिएट करेंगे, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इनको डिसोसिएट करवाता है, उसको बोलते हैं कैलेज एंजाइम। तो ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव पोलन ग्रेन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमिटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन बायलेयर्ड होती है, मतलब पोलन ग्रेन पे दो लेयर पाई जाती हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। बाहर वाली लेयर को एग्जाइन बोलेंगे और इनर लेयर को इंटाइन बोलेंगे। जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि हाईली बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट मटेरियल है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एंजाइम नहीं है जो इसको क्या है डिसोसिएट कर सके। ये भी आपको याद रखना है कि एग्जाइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है और ये हाईली बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट होता है। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन प्लस सेलुलोज और यू कैन कॉल पैक्टोसेलुलोज। अंदर की जो लेयर है इनर लेयर इंटाइन, वो पैक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी हुई होती है, या आप पैक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। एग्जाइन कंटिन्यूस नहीं होती है, इट कंटेन थ्री पोर्स विच आर नोन एज जर्म पोर। पोलन ग्रेन कंटेन टू सेल, वन इज वेजिटेटिव सेल विच इज़ बिगर एंड सेकेंड इज जनरेटेड सेल विच इज स्मॉलर। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म अराउंड 60% पोलन ग्रेन आर शेड इन टू सेल स्टेज। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन, कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, अगर आप पोलन ग्रेन को स्टोर करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर पोलन ग्रेन, यू कैन स्टोर दैम इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196°C। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। गाइनोशियम में कंसिस्ट सिंगल पिस्टल, गाइनोशियम में एक पिस्टल भी हो सकता है, विच वी विल कॉल इट मोनोकार्पुलरी, उसको हम मोनोकार्पुलरी बोलेंगे, या एक से ज़्यादा भी पिस्टल प्रेजेंट हो सकते हैं, वी विल कॉल इट पॉलीकार्पुलरी। इफ मोर देन वन पिस्टल इज प्रेजेंट, वी विल कॉल इट पॉलीकार्पुलरी। इफ द पिस्टल आर फ्यूज्ड, अगर मोर देन वन पिस्टल है एंड दे आर फ्यूज, देन वी विल कॉल इट अ सिनकार्पस कंडीशन, एंड इफ दे आर फ्री वी विल कॉल इट एपोकार्पस। कार्पल कह लीजिए, पिस्टल कह लीजिए, एक ही बात है, इज़ अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम, क्योंकि एक गाइनोशियम में एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो सकते हैं। इस एक कार्पल में या पिस्टल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नाउ इन ओवरी वन और मैनी ओव्यूल अटैच विद प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी। एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, ओव्यूल रिप्रेजेंट इंटेग्यूमेंटेटेड मेगास्पोरेंजियम। दिस कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम, ये आपसे पूछ सकते हैं नीट एग्जाम में। ओव्यूल में फ्यूनिकल होता है, इंटेग्यूमेंट होता है, न्यूसेलस होता है, और एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। एनसीईआरटी में ओव्यूल का जो डायग्राम दिया हुआ है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, और मैंने अपनी वीडियोस में जितने भी ओव्यूल के टाइप्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में, वो सब बना के आपको बताए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं उनके बारे में जानना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यू कैन फाइंड माई वीडियो ऑन ओव्यूल्स इन द फीड। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज ऑर्थोट्रोपस एंड मोस्ट कॉमन इज एनाट्रोपस। टू सो यू हैव टू रिमेंबर, सबसे कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट वी हैव मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। सो यू हैव टू रिमेंबर, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। एक न्यूसेलस सेल सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है, देन मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन शो करता है एंड
4 मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मियोटिक डिवीजन इज मेगास्पोर मदर सेल. इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 3 मेगास्पोर डीजनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप इंटू फीमेल गैमेटोफाइट और एज वी कॉमनली कॉल इट एम्ब्रियो सैक. सो यू हैव टू रिमेंबर डैट फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. हियर 1 मेगास्पोर मदर सेल इज देयर, इट शो मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस टू एंड मेगास्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड. बट देन 3 मेगास्पोर विल डीजनरेट, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे. उसके बाद सिर्फ एक आपका मेगास्पोर बचेगा. अब उसके जो आपका एक एक्टिव मेगास्पोर है उसकी जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से माइटोटिक डिवीजन शो करेगी, नॉट मियोसिस माइटोसिस. तो ये पहला माइटोसिस डिवीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड. जब 3 माइटोसिस डिवीजन हो जाएंगे तो आपके पास 8 न्यूक्लियस हो जाएंगी. कितनी न्यूक्लियस हो जाएंगी आपके पास? 8 न्यूक्लियस. अब धीरे धीरे इनके आसपास क्या है, वॉल बनने लगेगी, जिसमें 3 तो आपके एंटीपोडल्स बन जाएंगे, उसके बाद 2 आपके सिनर्जीड बन जाएंगे, एक आपका एग बन जाएगा. और जिन दो न्यूक्लियाई के आसपास वॉल नहीं बन पाएगी उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे. ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से गिनेंगे तो आपको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कंडीशन देखने को मिलेगी. सो इट इज़ रिटन हियर व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल. 2 न्यूक्लियर बनेंगी और वे अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगी टू फॉर्म 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक. तो पहले 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसके बाद 2 और सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होंगे, तो इन टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन, और जिससे 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक आपका बन जाएगा. ओके, आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन इन एक्टिव और फंक्शनल मेगास्पोर 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट. 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल. 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगी एंड रिमेनिंग 2 फ्री न्यूक्लियाई विच आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस. अब आप लोग इसमें बोलेंगे कि सर हम जो फाइनल डायग्राम देख रहे हैं उसमें एग एपरेटस के ऊपर पोलर न्यूक्लियाई दिख रही हैं और आप क्या बोल रहे हैं सिचुएटेड बिलो. तो अगर आप उससे पिछले वाला डायग्राम देखेंगे तो माइक्रोपाइल दूसरे एंड की तरफ है. माइक्रोपाइल जो है वो आपका यहाँ पे इस एंड की तरफ है ना. इन्होंने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है. अगर आप देखेंगे तो एंटीपोडल्स यहाँ चले गए हैं और माइक्रोपाइल यहाँ आ गया. तो इस डायग्राम के बेसिस पे बोला गया है बिलो द सिनर्जीड्स, नोट ना कि फाइनल डायग्राम के बेसिस पे. 3 सेल आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, जिनको हम एग एपरेटस बोलते हैं. 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो जाएंगे और 3 सेल चैलेजल की तरफ हो जाएंगे, जिनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं. सो द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल. यू हैव टू रिमेंबर दिस, द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लियेटेड एंड 7 सेल. नेक्स्ट वी हैव द पोलिनेशन. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा तक का पोलन का ट्रांसफर ही पोलिनेशन होता है. पोलिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन इंक्लूड ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी. ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी सेल्फ पोलिनेशन में आते हैं. तो ऑटोगैमी का मतलब यह है पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर. ट्री भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, मतलब बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर है. मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं. जिटिनोगैमी में क्या होता है, इन जिटिनोगैमी ट्री इज सेम बट फ्लावर इज डिफरेंट. इन जिटिनोगैमी ट्री इज सेम बट फ्लावर इज डिफरेंट. इन एनसीईआरटी अ लाइन इज मेंशन्ड, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन. तो अगर आप देखेंगे ट्री सेम है तो पूरे ट्री का डीएनए सेम होगा, तो चाहे भले किसी भी फ्लावर से आके पोलन गिरे डीएनए तो सिमिलर रहेगा आपका,
तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन है। पर अगर आप जंगल में खड़े होकर देख रहे हैं, इकोलॉजिकली देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो आपको लगेगा क्रॉस पोलिनेशन है। इसलिए ये लाइन मेंशन की गई है कि जिटिनोगैमी जेनेटिकली इज सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली इज क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट वी हैव जीनोगैमी विच इज ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर और टू ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। दो अलग प्लांट हैं और उनके फ्लावर भी अलग हैं, और इनके बीच में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज जीनोगैमी, इट इज़ ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। आई वॉन्ट टू मैंशन हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच नेवर ओपन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी नहीं खुलते, तो वहाँ पर श्योरली ऑटोगैमी होती है। और चेस्मोगैमस फ्लावर जो खिलते हैं, खुलते हैं, वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। नाउ वी सी द टू टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, वन इज एबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक। सो इन एबायोटिक देर आर टू टाइप्स, एनिमोफिली थ्रू विंड, विंड की मदद से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, पाइनस, कोकोनट। इफ़ वी यूज़ वाटर एज पोलिनेटिंग एजेंट विच इज़ नोन एज हाइड्रोफिली, अगर आप पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में, उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये आपका वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला में होता है, ये आपको याद रखना है, वेलिसिनेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव बायोटिक, बायोटिक में एंटेमोफिली जिसमें अमोर्फोफेलस है आपका यूका है, ऑर्निथोफिली बिग्नोनिया है, और चीरोटेरोफिली एंथोसिफेलस और किगेलिया है। मोस्ट कॉमन टाइप है आपका एंटोमोफिली, इसमें जो फ्लावर होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं और हनी बी को इस्तेमाल किया जाता है इसमें एज अ पोलिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट वी हैव आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मैनी स्टूडेंट डोंट स्टडी अबाउट दिस, बट क्वेश्चन डू कम इन नीट एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, पर नीट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ नहीं है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द मैकेनिज्म और मेथड विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। सो व्हाई दे वांट टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो वेरिएशन नहीं आएगा, और अगर वेरिएशन आता है, इफ़ वेरिएशन इज़ देयर देन द ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट टू एनवायरमेंट। तो इसलिए प्लांट भी चाहते हैं कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन हो और वो एनवायरमेंट के साथ बेटर अडेप्ट कर सके, जिससे उनकी स्पीसीज सर्वाइव कर सके, एक्सटिंक्ट ना हो। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज आर वेरियस मैकेनिज्म डेट डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन, एज कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इट इंक्लूड्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बेसिकली इसके लिए एक टर्म है डाइकोगैमी, जिसमें या तो पोलन पहले मैच्योर हो जाता, सॉरी एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, जिसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। प्रोटेंड्री इज अ पार्ट ऑफ डाइकोगैमी इन विच एंथर मैच्योर बिफोर स्टेमन, एंड सेकेंड इज प्रोटोगाइनी इन विच स्टेमन मैच्योर बिफोर एंथर। अगर स्टेमन पहले मैच्योर हो रहा है एंथर से, तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा को आप अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, एक को ऊपर एक को नीचे। इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको बोलते हैं हिट्रोस्टाइली। नेक्स्ट है इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन द पिस्टल। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने एक फिनोमिना बनाया है जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेक्टिबिलिटी, जिसमें वो स्ट्रिक्टली ऐसे पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देते जिनका डीएनए स्टेमन के डीएनए से मैच करता है। बेसिकली वो ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी को प्रेफर नहीं करते, उन्होंने इवोल्यूशन के दौरान ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि सिमिलर डीएनए वाले पोलन को वो जर्मिनेट नहीं होने देते। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट वन इज़ कि आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट वी हैव पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ऐसे है जैसे कि एक बिल्डिंग है, उस पर गार्ड बैठा हुआ है, और बाहर से कोई आता है तो गार्ड उससे पूछेगा भैया कौन से फ्लैट में जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है।
तो जब पोलन आता है, व्हेन पोलन लैंड ऑन पिस्टल, तो यहाँ पे एक कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद ही पोलन को आगे जर्मिनेट करने का मौका दिया जाता है। द पिस्टल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कॉम्पैक्टेबल पोलन। पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कॉम्पैक्टेबल पोलन को रियलाइज कर मतलब क्या रिकॉग्नाइज करने की। टू इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट मतलब आपका पोलन ट्यूब बनेगी, फिर उसमें मेल गैमेट आगे जाएंगे, डैट लीड टू फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन में से जब क्या हुआ, पिस्टल को भरोसा हो गया कि भैया पोलन अपनी ही स्पीसीज का है, और इन केस ऑफ सम प्लांट की सेल्फ इनकॉम्पैक्टेबल नहीं है, डीएनए डिफरेंट है, तो यहाँ पे वो फिर क्या है, उसको जर्मिनेट करने देते हैं, और उससे क्या है, फिर जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड शुगर फ्रॉम स्टिग्मा, और फिर जो जनरेटिव सेल है आपका वो डिवाइड कर जाता है दो मेल गैमीट्स में, और वो फिर क्या है, एम्ब्रियो एग की तरफ, एम्ब्रियो सैक की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए, जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएगा। जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू टू मेल गैमीट। वन मेल गैमीट विल शो फ्यूजन विद द एग एंड वी विल कॉल इट सिनगैमी। एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूजन शो करेगा और उसको हम सिनगैमी बोलेंगे। एंड द अदर मेल गैमीट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लाई। अब जो दूसरा मेल गैमीट है उसको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो बुरा मान जाएगा कि पहले मेल गैमीट को फ्यूज़ करने दे दिया, हमें फ्यूज़ नहीं करने दिया, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया आप दो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, देयर आर थ्री न्यूक्लियाई विच आर फ्यूजिंग, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज थ्री न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग टुगेदर। और इनसे बनता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये आप देखिए ट्रिप्लोइड होगा जो आपका एंडोस्पर्म होगा, इसको PENB बोलते हैं। और ये जो दो फ्यूजन हो रहे हैं, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, इस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिना को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द PEN डेवलप इंटू एंडोस्पर्म। PEN एंडोस्पर्म में डेवलप कर जाएगा और जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रिसीड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब एंडोस्पर्म जल्दी जल्दी डेवलप होगा कंपेयर टू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म विल डेवलप फास्टर कंपेयर टू एम्ब्रियो। व्हाई इज सो, ऐसा क्यों है? तो देखिए, एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। सो टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म हैव टू डेवलप फास्टर सो इट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। तो जल्दी ग्रो करके वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे एम्ब्रियो भी ग्रो कर सके। इसलिए एंडोस्पर्म हमेशा प्रिसीड करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इट पासिस थ्रू द वेरियस स्टेज। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसमें बहुत सारी स्टेज होती हैं, जैसे क्वाड्रेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हर्ट शेप स्टेज, एंड उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये जो स्टेज डेवलपमेंट है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो पर अभी तो आप इसका क्या है, स्टेज याद रख सकते हैं कि इन स्टेजेस से गुजरते हुए क्या है आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में मोनोकोट्स और डाइकोट का जो एम्ब्रियो होता है उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल सिमिलर चलती है, बट इन लेटर स्टेज इन डाइकोट टू कोटिलीडन डेवलप एंड इन मोनोकोट सिंगल कोटिलीडन डेवलप। एम्ब्रियो ऑफ ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली का जो एम्ब्रियो है जो कि मोनोकोट्स हैज सिंगल कोटिलीडन, और इसको स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। वीट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है, वीट का एग्जाम्पल लेके, मेज का एग्जाम्पल लेके भी पूछा गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू रिमेंबर दिस नेम स्क्यूटेलम। मोनोकोट के एम्ब्रियो में जो कोटिलीडन होता है, द सिंगल कोटिलीडन विच इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट इज नोन एज स्क्यूटेलम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो वो धीरे धीरे पूरा एंडोस्पर्म को यूज़ कर लेता है कुछ में, कुछ प्लांट्स में, और ऐसी सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता इन एट मैच्योरिटी
उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इसके एग्जांपल आपको याद करने चाहिए, पी, ग्राउंड नट और बीन्स इसके एग्जांपल हैं। एंड इफ एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड, अगर एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में है तो उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके एग्जांपल हैं आपके कैस्टर एंड कोकोनट। देर इज अ टर्म पेरिस्पर्म, इफ न्यूसेलस परसिस्ट देन इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म एंड इट इज़ फाउंड इन ब्लैक पेपर। ये आपको पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, पूछा गया नीट में, तो याद रखना पेरिस्पर्म आपको ब्लैक पेपर में प्रेजेंट रहेगा। टुमोरोज वीडियो टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कल के वीडियो का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा। और प्लीज़ फोकस रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप एंजाइटी स्ट्रेस या आप टेंशन लेते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल हैंडल पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको उस चीज़ को कैसे डील करना है उसके बारे में बता देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम आपके लिए और वीडियोज़ भी बना सकें। थैंक यू वेरी मच।